पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच की उत्तर प्रदेश इकाई के तत्वाधान में रेलवे स्टेडियम चारबाग लखनऊ में आयोजित प्रांतीय हुंकार रैली केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारी जिनमें रेलवे पोस्टल प्रतिरक्षा आयकर शिक्षक तथा राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस रैली को पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच के राष्ट्रीय संयोजक व ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री कामरेड शिव गोपाल वर्मा, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष कामरेड हरि किशोर तिवारी, प्रांतीय संयोजक कामरेड आर के पांडे, कॉन्फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड एस बी यादव, परिषद के महासचिव कॉमरेड शिव बरन सिंह यादव, प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष कॉमरेड सुशील पांडे, जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के अध्यक्ष कॉमरेड योगेश त्यागी, आयकर कर्मचारी नेता कॉमरेड ब्रिजेश यादव समेत तीन विधायकों व कर्मचारी संघों के वरिष्ठ नेताओं द्वारा संबोधित किया गया। रैली का एक ही उद्देश्य है कि सरकार पुराने पेंशन बहाल करे। ये हमारे राज्य कर्मचारी शिक्षकों और केंद्र सरकार के जो कर्मचारी उनका सुबह से काम करते हैं रेल के पोस्टल के हमारे तमाम देश के उनकी रैली यहाँ पर है। 50,000 अगला हमारा तनाव जो है वो दिल्ली में होगा और वहाँ पर अब तक अगर सरकार ने पुराने पेंशन बहाल नहीं करी तो आप पूरे भारत में आराम करें। पूरे देश के कर्मचारी पढ़ रहे हैं, सेंट्रल के भी सारे कर्मचारी सारे विभाग के लोग हैं और इस रैली के बाद जो है संसद जब सब चलेगा हमारा वहाँ पूरे ये सारे प्रदेश के पूरे देश के लोग वहाँ पे जाते हैं। बिल्कुल जागना चाहिए, उन्हें भी लगेगा कि इतना आज इतने बड़ी संख्या में जो कर्मचारी एकत्रित हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर आक्रोश है। अगर सरकार नहीं जाके तो 2024 में चुनाव आने वाला है, इसमें कर्मचारी अहम रोल निभाएंगे और इसका सरकार हम ज्यादा उगटना पड़ेगा अगर वो नहीं करती है। कार्यरत है आप प्रवेश सिंह राठौर जिला मंत्री, हमारे फरुखाबाद जनपद से प्राथमिक शिक्षकों को हजारों कार्यकर्ता इस रैली में प्रतिभाग कर रहे हैं। हम सरकार से निवेदन सहित हुंकार रैली के मंच के माध्यम से आगाह भी करना चाहते हैं, अगर वो मात्र 7 माह के कार्यकाल पे सरकार के बंदे पेंशन लेना चाहते हैं तो हमें 60 साल की सेवाओं पर भी पेंशन चाहिए। ये हमारी सभी की बुढ़ापे की लाठी है। एक नेता क्या क्या पेंशन ले सकता है सरकार से, ये बिल्कुल औचित्य नहीं है। नैतिकता इसमें नैतिकता से परे है। उन्हें वो जनसेवक हैं, वो जनसेवक हैं, हम कर्मचारी हैं, 60 साल लोगों की और राष्ट्र की सेवा करते हैं, हमारा हक बनता है बुढ़ापे के लिए पेंशन का। वो जनसेवक हैं, उन्हें फ्री में सेवा करनी चाहिए। वो इसी देश से आते हैं जनता से कह के हम आपकी सेवा के लिए आ रहे हैं। हम सेवा के साथ जो भी राष्ट्र जो भी आपदाएं आ जाए, जो भी कार्य आ जाए, हर कदम से कदम मिलाते हैं सरकार के साथ। इसलिए सरकार जो हम प्राथमिक शिक्षक संघ के शिक्षक लोग उन्हें 2024 के आगामी आने वाले इलेक्शन में आगाह करना चाहते हैं। जैसे हमारे कई राज्यों में उन्होंने पुरानी पेंशन दे दी है लेकिन सरकार हमारी अभी भी हट धर्मता कर रही है। वो ओपीएस की बात कर रही है कि 40% दे देंगे, 45% दे देंगे लेकिन डीए नहीं देंगे। हम एनपीएस की बात ही नहीं करना चाहते, प्रोजेक्टर बंद करना चाहते हैं। हम केवल ओपीएस की बात करना चाहते हैं। पुरानी पेंशन बहाली के लिए काफी संख्या में यहाँ आए
और मैं आपको एक निश्चित रूप से बताना चाहता हूँ, इस सरकार को भी बताना चाहता हूँ, ये मिश्रा तिवारी का जो संयुक्त संघर्ष है ये इतिहास रचेगा, और जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी निश्चित रूप से हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। 45 डिग्री तापमान में आप भीड़ का अंदाजा लगा सकते हैं, पुरानी पेंशन को देनी पड़ेगी। निश्चित रूप से यही से ऐलान किया जाएगा। अभी तो 45 डिग्री तापमान में इतने आते हैं और ये जैसे जैसे तापमान घटता जाएगा हमारी संख्या बढ़ती जाएगी, और जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा। सिंह जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी आज जो ये महंगाई हो रही है 2004 के बाद जो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था जिसको एक तरह से बुढ़ापे की लाठी कहिए उसको सरकार ने बंद कर दिया, उसी पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने के लिए आज ये आपके सामने कर्मचारी और शिक्षकों की अपार भीड़ सरकार को यह दबाने आई है कि अभी भी समय है, अभी भी कर्मचारी शिक्षकों की आप पुरानी जो जायज पुरानी पेंशन उसको दे दीजिए। कर्मचारी और शिक्षक बाध्य होकर जिस तरह से हिमाचल प्रदेश सामने आया उसी तरह से आएगा। निश्चित रूप से मैं आपका स्वागत करता हूँ। जिस तरह से सरकार ये कह रही थी कि मैं इस मुद्दे पर विचार नहीं करता हूँ, कर्मचारी और शिक्षकों के आंदोलन को देखते हुए सरकार ने कहा कि हम 45% दे, मैं यह चाहता हूँ कि सरकार 45% दे रही है उस पर किए भी थे, अगर सरकार तो निश्चित रूप से हम उस पर सहमत होने में कहीं हमको दिक्कत नहीं। छोड़ दी अपना परिचय देते हो, बताइए रैली में आप आए क्या? मैं विजय प्रताप वर्मा ब्लॉक मंत्री बस्ती सदस्य से यहाँ जो है संयुक्त मोर्चा के पहाड़ी के लिए रैली में आए हैं। सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी मांगों को मानते हुए पुरानी पेंशन को बहाल करें, इसको बंद करें। जिस प्रकार से सरकार 14% दे रही है उसको बंद करके पुरानी पेंशन अंतिम वेतन का प्लस हर 6 महीने पे जो डीए मिलता है उसको लागू करते हुए पुरानी पेंशन को बहाल करें। हम लोग सरकार का जिंदाबाद करते हुए चाहेंगे। धन्यवाद। सरकार कह रही 45% दे रहे हैं, हमको 45% और 40% नहीं मान रहे हैं, हमको हूबहू वही पुरानी पेंशन मान रहे हैं जिसमें हम अंतिम वेतन का 50% मिलता था और उस पर डीए मिलता था और वो डीए हर 6 महीने बाद पड़ता था, हमें वही मान रहे हैं। इस वक्त दो ओपीएस और ईपीएस ओपीएस है पुरानी पेंशन बहाली हम सबका एक ही है कि पेंशन हम लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। जो चीज के लिए लोग आजकल आगाह है अपने भविष्य के लिए वो हम लोग भुगत रहे हैं ईपीएस वाले, तो हम लोग इनको भी समझाने आए हैं कि देखिए आप सरकार के झांसे में आए हैं, कई चीजें वो बताएंगे कि ये मिलेगा पता होगा ये कि आपके जो बाद में जो लाभ ये दिखा रहे हैं वो सब वापस हो जाएंगे, धीमे करके सारी जो लाभ वाली स्कीमें हैं वो उसमें से हटा दी जाएंगी। तो हमारा ये कहना है कि सरकार जो है वो इस स्तर पे हो कि आपके मेन चुनाव में मुद्दा जो है पेंशन है तब काम चल पाएगा, क्योंकि सारे जो कर्मचारी हैं वो अपने सरकारी कर्मचारी या कर्मचारी होता है वो अपने भविष्य के लिए सोचता है कि पेंशन मिलेगी उसका परिवार सही से शोषण हो पाएगा, पर उन्हीं का ये जो है शोषण किया जा रहा है। और आखिर में हो ये रहा है कि उनका सर्विस टाइम तो 30-35 साल सर्विस करते हैं, सारा कंट्रीब्यूशन देते हैं, उसके बाद जब पेंशन की बात आती है तो पेंशन मिलती नहीं, और धीमे धीमे अगर उनको कह रहे हैं कि पैसा कम है तो सबसे पहले जो राजनीति है उनको पेंशन मिलती है तो सबसे पहले वो अपनी पेंशन अपनी छोड़े, उसके बाद हम लोग उनसे बात करें। आप क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोग सब मिलकर सबसे संघर्ष करेंगे, और ओपीएस हो चाहे ईपीएस हो सब मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, और देख आप देख रहे हैं हजारों लोग यहाँ पे आए हैं और संघर्ष में बढ़ता जाएगा, और हमें मेन मुद्दा चुनाव में पेंशन पर मैं शैल शुक्ला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की प्राथमिक आया हूँ। मेरे साथ में मेरे जनपद 14 ब्लॉक हैं
और लगभग 38 बसें और हर ब्लॉक में 2-3-4 के लिए चार पहिया के रेशियो लगभग मैं समझता हूँ कम से कम 12,000 से 13,000 अनुमानता आए हैं। मैं इस रैली के माध्यम से हुंकार रैली के माध्यम से आप सभी को यह अवगत कराना चाहता हूँ, सम्मानित मीडिया के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि हम लोगों ने 30-40 साल तक सरकार की सेवा करने के बाद हम लोगों को पुरानी पेंशन के नाम पर छलावा मिला है। हमको सरकार द्वारा एक ऐसी पेंशन दी जा रही है जो मार्केट बेस नहीं है। अभी हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, इन्होंने सत्ता में नहीं थे तो मनमोहन सिंह माननीय प्रधानमंत्री जी को पता चला था कि इनको पुरानी पेंशन बहुत आवश्यक है। मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। मठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनसे अनुरोध करता हूँ, जिस प्रकार उन्होंने पत्र लिखा था उसी प्रकार अपने कर्मचारियों का दर्द समझें और हमारी पुरानी पेंशन को बहाल करें। पुरानी पेंशन का मुद्दा पूर्णतः राज्य सरकार का मुद्दा है और अपने कर्मचारियों को योगी भी है, इसलिए अपनी जनता को आशीर्वाद दें और उनका आशीर्वाद लें और उनसे बने रहें। और अगर हमें पुरानी पेंशन नहीं मिली तो आज हुंकार रैली है, पता नहीं रैली में परिवर्तित होगी और इनकी सरकार भी चली जाएगी और योगी चले जाएगी। मैं बहुत विरोध करना नहीं चाहता। अपना परिचय देते हुए बताइए, इन मुद्दों को लेकर रैली में आए हैं, देश है रैली का। मैं जनपद कौशाम्बी से प्राथमिक शिक्षक संघ के सदस्य हूं और यहां पर जो भीड़ आप देख रहे हैं प्राथमिक शिक्षक संघ और संयुक्त रेलवे कर्मचारी संघ के कई संघों के लोग यहां उपस्थित हैं और हमारी सबसे जो मुख्य मांग है वो सब एक है कि हम यहां पर जो सरकार को पेंशन देने आए हैं वो टेंशन हमारे पेंशन की है। अगर सरकार हमारे पेंशन का रिटेंशन नहीं करती है तो 2024 में हम उनको ऐसी टेंशन देंगे कि जिस तरह से वो बाकी राज्य हार रहे हैं संयुक्त राज्य कर्मचारी संघ का एक एक व्यक्ति उनको हार का मुंह दिखाएगा और जिस तरह झगड़े में हम उन्हें पूरी राष्ट्रवा दे पूरे देश के वापस चाहिए। अगर आपने हमारी मांग नहीं मानी तो आगामी मानसून सत्र में हम दिल्ली में इससे भी बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं और जिसमें हम संसद का घेराव करेंगे। आज हम लोग लेकर के आए हुए हैं क्या क्या आप जो भी हम किया जा रहा है आपको ये मानना पड़ेगा कि हमारी सैकड़ों की संख्या में आप पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के आए हैं। हम लोग शायद हम लोग ये मांग जब तक हम लोगों की मांग नहीं आएगी तब तक हम लोग अनवरत ऐसा कार्य करते रहेंगे। ये हमारी जो पुरानी पेंशन है ये कोई खराब नहीं है, ये हम लोग रही है देने की बात जो चल रही है खराब नहीं है। इसके लिए हमारे लोगों ने हमारे नेताओं ने योगदान किया था। ये पुरानी पेंशन हमारी जो जायज मांग है उसको हम लोग लेकर रहेंगे। नेता कोई एक दिन का बनता है, विधायक कोई एक दिन का बनता है, लेकिन उनको ताउम्र पेंशन मिलेगा। हम पूरा जीवन खपाते हैं, पूरा जीवन खपाने के बाद कोई ये पूरा बुढ़ापे की जो लाठी है उसको सरकार नहीं देना चाहती है। जबकि यही मुख्यमंत्री यही प्रधानमंत्री जो डबल इंजन सरकार कहती है बहुत बड़ा दरिया दिल है, ये अकेले जबकि हमारे पैसे को बाजार में लगा रहे हैं, हमारे पैसे को बाजार में लगा रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा? किसी को दो पैसे 2,000 रुपए एनपीएस नाम पर दिया जाता है, लेकिन हमारा पुराने पेंशन में हमारा सुनिश्चित है। मैं राणा राजेश रंजन कुमार मंडल उपाध्यक्ष दिल्ली रेलवे मजदूर यूनियन वाराणसी मंडल। हमें 45% नहीं चाहिए, 50% नहीं चाहिए, हमें केवल और केवल पुरानी पेंशन चाहिए। हमें कोई वेतन पुराना जो पेंशन है केवल यह चाहिए, परसेंटेज की इसमें कोई भी बात नहीं है।
हमारे सरकार ने बताने का काम किया है, हमें केवल और केवल पुराना पेंशन जो गारंटेड पेंशन है वो गारंटेड पेंशन से, इसके अलावा किसी प्रकार का कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। अगर पुरानी पेंशन में किसी भी प्रकार का कोई इफ वर्ड लेकिन किंतु परंतु लगाया गया वो ऑल इंडियन फेडरेशन और संयुक्त पेंशन मोर्चा को कतई मंजूर नहीं होगा, और एक न एक दिन भारत सरकार को हमारे आगे सारे एनपीएस आगे इनको झुकना होगा और पुराना पेंशन लेकर के ही हम लोग दम लेंगे। इसके लिए चाहे भी जिस भी स्तर तक जाना पड़े हम लोग लाइन लड़ने के लिए तैयार है। जी ये जो हम लोगों ने कमेटी बनाई, भारत सरकार ने कमेटी बनाई है केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी के नेतृत्व में, संयुक्त सचिव के नेतृत्व में जो कमेटी बनाई गई है, उस संयुक्त समिति के मेंबरान जो है उन लोगों ने एक अपने से प्रस्ताव बनाने का काम किया है। ये 40-45% पेंशन देने के विचार कर रही है, ये कतई मंजूर नहीं है, और फेडरेशन को मंजूर नहीं है या जितने भी हमारे संयुक्त मोर्चे के साथी है, चाहे उत्तर प्रदेश के शिक्षक संघ के साथी हो या किसी भी प्रकार के साथी हो, इसे कतई मंजूर नहीं है। हमारे सारे एनपीएस धारियों को केवल और केवल पुराना पेंशन गारंटेड पेंशन स्कीम है, इससे नीचे में हम कतई सहमत नहीं। क्या कहना चाहेंगे, इनके बाद कुछ असर पड़ेगा पुरानी पेंशन बहाली? मैं राम बाबू शास्त्री महामंत्री उत्तर प्रदेश, ये इशारा अगर देश पर आप तो आप पूरे हिंदुस्तान में ये पुरानी पेंशन के नाम पर सरकार पार्टी के नहीं, लेकिन जो कर्मचारी को शिक्षक को पेंशन देगा हम उसके साथ। मैं ये कहने जा रहा हूँ बुढ़ापे का सहारा जिससे कि परिवार में आवश्यक है, पुरानी पेंशन को भी लेकर उत्तर प्रदेश में भी जो है अपने मजबूती से आए, और भाजपा हारी, हिमाचल प्रदेश में भाजपा हारी, वहाँ भी लागू हुआ, मध्य प्रदेश में भी हारेगी मैं कहने जा रहा हूँ। अगर पुराने नहीं किया 2014 में लोकसभा चुनाव चैनल देशभर न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।